नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाली सरकार में विकास के कामों में मानकों की किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये हाल काला ढूंगी कोटा बाग मार्ग में देखा जा सकता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर काला ढूंगी कोटा बाग मार्ग छाया हुआ है, जहां लोग गुणवत्ता में भारी कमी की आवाज उठाते हुए दिख रहे हैं। लोक निर्माण विभाग और ठेकेदार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। जी हां, यहां मार्ग में मिट्टी के ऊपर डामरीकरण कर दिए जाने से डामरीकरण उखड़ कर हाथों में आ रहा है। मार्ग की शिकायतें मिलने के बाद मौके पर पहुंचे कालाढूंगी के विधायक बंशीधर भगत ने मार्ग का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। विधायक भगत ने गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ ही मूसा बंगर से कालाढूंगी की तरफ गड्ढों वाली सड़क में डामरीकरण कराए जाने के निर्देश भी दिए। इस दौरान अधिशासी अभियंता रविंद्र कुमार, सहायक अभियंता हरिनंदन मिश्रा समेत क्षेत्र के तमाम लोग मौजूद थे। वहीं कनिष्ठ प्रमुख कुलदीप तड़ियाल और तमाम लोगों ने जांच की मांग की है। पहले तो यहाँ पर खराब गुणवत्ता से लोक निर्माण विभाग द्वारा बहुत ही खराब गुणवत्ता से डामरीकरण का कार्य कोटावा कालाढूंगी मुख्य मार्ग में कराया गया था। उसके बाद से डामरीकरण कर होने के बाद भी उसके ऊपर टल्ले लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार का की खराब गुणवत्ता से यहाँ पर काम हुआ है। जो नई रोड बनी हुई है, एक हफ्ते में उसके ऊपर टल्ले लगाए जा रहे हैं और जो डामरीकरण है वो मिट्टी के ऊपर डामरीकरण विभाग द्वारा किया गया है। मतलब रोड़ी के ऊपर डामरीकरण होना था, मिट्टी के ऊपर डामरीकरण किया गया है, जिसमें आला अधिकारियों की काफ़ी लापरवाही है। इसमें जांच होनी चाहिए और उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इसमें लिप्त हैं। रोड बनने के बाद भी देखा जा रहा है, किस तरीके से आप देखिए रोड के हालात क्या हैं, कई जगह गड्ढे पड़ गए हैं। उसके बनते बनते जब ये हालात हैं, आज चार दिन इस रोड को बने हुए हो रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा बीच में सोशल मीडिया पे मुद्दा उठाया गया, रोड फावड़े चलाए गए, रोड ऐसे उखड़ रही है, ऊपर से चटाई सी निकल के जा रही है, इसमें पैचिंग होनी थी, वो काम नहीं हुआ। विधायक जी को दो बार सूचना देने के बाद, विधायक जी दो बार यहाँ आ चुके हैं, अधिकारी सामने मौजूद थे, उसके बाद भी लगातार अधिकारी बेलगाम बने हुए हैं, बिल्कुल अनसुनी कर रहे हैं और रोड के हालात ये हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और ठेकेदार के ऊपर यदि इसमें गलत पाया गया है और दिख रहा है गलत, तो उसकी जांच होने के बाद उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। काम स्टार्ट किया, इसमें गुणवत्ता कहीं कहीं पर बिल्कुल एकदम बेकार हो रही थी। विधायक जी को बताया गया, तुरंत विधायक जी ने आदेश यहाँ पर आके निरीक्षण किया और काम रुकवाया। उसके बाद से काम की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार होने लग गया है और अभी फिर भी कहीं पर जो है उसकी कमियों को विधायक जी ने कह के दोबारा सारी दूर की जा रही है कमियों को, और जहाँ जहाँ पर अगर डामरीकरण कम हुआ है, डामर कराया है, तो उसको दोबारा से लगाया जा रहा है। तो आज फिर विधायक जी उसी संबंध में दोबारा आए, सेक्शन चीफ सबसे बात करी है, आगे सारे अधिकारियों को लेके आए थे, और क्योंकि नीचे काफ़ी रोड खराब है, टल्ले लगा के पैच बने जा रहे, बड़े बड़े बना रहे हैं, लेकिन उनको पैच ना बना के वो कहें 2 किलोमीटर डामरीकरण इसको कर दिया जाए, जहाँ शेष बचाए उसमें पैच बनाए जाए। कोटाबाग जाने वाले मार्ग में 4 किलोमीटर से एक्सीडेंट की, तो पहले ये वो बना रहे थे जिसमें रोड ठीक है, फिर लोगों ने कहा नीचे को बनाओ, तो नीचे को बनाना शुरू हुआ, तो शिकायत मिली तो हम आए, हमने काम रुकवाया, हमने कहा इसको ऐसा मत करो, इसको ठीक करो। तो ये एक्शन वगैरह जेई वगैरह सब आए हैं आज, इन्होंने उस काम को, मैंने यहाँ के कार्यकर्ताओं ने देख लिया है, वो काम अब संतोषजनक हो गया है। अब सवाल ये है कि 2 किलोमीटर बनाया, 2 किलोमीटर ये कह रहे हैं हम नीचे को नहीं ऊपर को बनाते हैं, तो हम क्यों बनने देंगे ऊपर, जब रोड ठीक है ऊपर तो वहाँ क्यों बनेंगे, जहाँ नहीं बनी है वहाँ बनाएंगे। तो अभी इसमें बात कर लेंगे, हम भी बात कर लेंगे, ये लोग भी बात कर लेंगे, नीचे जो गड्ढे हैं उसके बाद 2 किलोमीटर के बाद उनका गड्ढा भराने का कार्यक्रम, और गांव में जो सड़क के गड्ढे हैं उनको भराने का कार्यक्रम वो करेंगे। अब ये कह रहे हैं हमको पैसा नहीं मिला है, तो मैंने इनसे कह दिया था आप लिख दो हमें पैसा नहीं मिला, तो हम मुख्यमंत्री से जाके बात करेंगे कि भाई पैसा दो। हाँ, गुणवत्ता जो पिछली बार आया था तो वो ख़राब थी, उसको हमने उखाड़ के भी देखा, तो उसको उन्होंने ठीक कर दिया। सब लोगों का कहना है, मैं तो देखने नहीं गया, सब लोगों का कहना है वो रोड ठीक कर दिया। ठीक है।